जो है 9 महीने अपने पेट में उठाना, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। शी कैन डिमांड वेजेस, इसके ऊपर उसे उजरत मिलनी चाहिए। और तलाक और विरासत में मुकम्मल मुसावात कायम की जाए। अब अगर सोचिए, अगर यूनाइटेड नेशंस के जरिए से ये चीजें नाफिज की गई कि जो मुल्क इनको नहीं करता, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो ह्यूमन हुकूक फिर वहां नहीं है, ह्यूमन राइट्स। और हमने तो उसके लिए पहले ही ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस करके गोया के खुशामदेद कहने के लिए हमने दरवाजे खोल दिए, पहले ग्रीन लाइट उनको दिखा दिए। ये सैलाब आ रहा है, अगर हम अब भी ना जागे और होश में ना आए और खड़े ना हुए जैसे कि अगली आयात में आएगा, तो जाहिर बात है कि फिर ये यूं समझिए कि आखिरी अजाब दज्जाल का फितना जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तखूनुल्लाह वर रसूल व तखूनु अमानातकुम व अंतुम तअलमून वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अब इसमें आदमी अगर निकले बाहर, काम करे, मेहनत करे, जिद्दोजहद करे, जाहिर बात है कि अपने माल का कुछ इशार करना पड़ेगा, वक्त लगाएगा, वही वक्त अगर पैसा कमाने में सर्व करता है, डॉक्टर है, उसके एक घंटे की इतनी कीमत है, दो घंटे इतने इतने इतना कुछ बनाता है, अगर वो लगाता है किसी दीन के काम में, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर के काम में, तो उसकी इतनी ही गोया के आमदनी कम हुई। लिहाजा इसके लिए अगर माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हारे पांव में बेड़ियां डाल दे, तो जान लो, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। यह मजमून कुरान मजीद में बहुत मरतबा आया है, बहुत मरतबा। सूरह मुनाफिकून का पिछला दर्स था, यहां पर उसमें भी यह आयत आ चुकी है, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहू वइन अल्लाहु इंदहू अजरुन अज़ीम। और जान लो कि असल अजर, बड़ा अजर अल्लाह के पास है, औलाद के पास कोई अजर नहीं है। तुम अभी आज मैं आया हूं जब, तो देखा कि वो एक जगह पर बताया गया, वो एक स्कूल जो बना है 8,000 रुपए फीस है, और वहां कारों के इतने ठट लगे हुए थे कि वहां से हमें रास्ता बदल कर जाना पड़ा है, उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते थे हम इस शहर के अंदर। 8,000 रुपया फीस देने वाले लोग, ये सारे हलाल की कमाई से आते हैं? हलाल की कमाई से तो यहां सूखी रोटी दो वक्त की नहीं मिल सकती। सारा मामला जो चल रहा है कि इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद का फितना है कि जिसमें पूरी कौम मुब्तला है। अन अल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, असल अजर, बड़ा अजर तो सिर्फ अल्लाह के पास है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यज्अल लकुम फुरकाना, अहले ईमान अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, पहला कदम, अब ये सारा जो हमारे सामने आया है इसमें पहला कदम क्या होगा? खुद अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, पहले खुद अल्लाह के बंदे बनो, खुद अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अगर साहिब इस्तेदात हो हज करो, घर में शरी पर्दा नाफिज करो, अपनी माश में अगर कोई हराम का पहलू शामिल है निकालो। ये काम तो पहले करना पड़ेगा ना, पहला कदम तो होगा फिजिशियन हील दाई सेल्फ, पहले अपने आप को बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अहले ईमान बचाओ अपने आप को और अपने अयाल को आग से। इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह तुम्हें फुरकान अता कर देगा। यहां फुरकान के भी कई मानी होंगे, एक वो सलाहियत बातनी के जिसके जरिए से इंसान हक व बातिल में इम्तियाज करता है, फर्क करता है, वो इस्तेदाद जो फितरत के अंदर है, अल्लाह तुम्हारी उस फितरत को जगा देगा, अल्लाह ताला उसके अंदर कुव्वत पैदा कर देगा, हक व बातिल में इम्तियाज की सलाहियत तुम्हें अपने अंदर पैदा हो जाएगी। जैसे कि हुजूर बसा औकात को साहब सवाल करते थे, आप फरमाते थे इस्तफ्ते कल्बक, जाओ अपने दिल से खुद मशवरा कर लो, फतवा मांग लो, भला अफ्ताकल मुफ्ती, सबसे बड़ा मुफ्ती यहां बैठा है, किसी मुफ्ती के फतवे से पहले अपने दिल से फतवा मांगो, दिल बता देगा कि ये काम गलत है या बुरा है और या सही है। तो फरमाया इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन। दूसरे, चूंकि इसी सूरह मुबारका में गज़वा बदर को यौमुल फुरकान कहा गया है, तुम्हारे पास अल्लाह की नुसरत आएगी, तुम्हें खुद नजर आ जाएगा फुरकान, अल्लाह ताला की तरफ से हक व बातिल में इम्तियाज की निशानियां सामने आ जाएंगी। वयुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को, वयग़फिर लकुम, और तुम्हारी लफ्जिशों को माफ़ फरमा देगा, दरगुदर फरमा देगा गुनाहों से। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अब आइए देखिए, मैंने अर्ज किया था कि तकरीबन एक साल के बाद ये तीन आयतें नाजिल हो रही, यही बातें जो इन 6 आयात में आई हैं इन 3 आयात में, लिहाजा हम जल्दी इनको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक रिवर्स ऑर्डर में है। कुरान मजीद का ये उसलूब है कि ये एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधू,
बात एक ही है, कहीं तरतीब का फर्क हो गया, कहीं उसलूब का फर्क हो गया, कहीं लफ्जी फर्क हो गया, मोनोटनी नहीं होती, एक ही तरह की बात नहीं, बल्कि यह कि मुख्तलिफ असालीब से उस बात को बयान किया जाए। जो आखिरी बात आई थी सूरह अनफाल की आयत में, और यह बता चुका हूं आपको, नजूल के एतबार से जो हमने आयात अभी पढ़ी हैं 6, ये सन 2 में नाजिल हुई, गजवाए बदर के फौरन बाद। अब जो पढ़ रहे हैं वो सन 3 में नाजिल हुई, गजवाए ओहद के फौरन बाद। यह जमाना जो है नजूल के एतबार से एक साल का फर्क है। अगरचे मुसहफ में, कुरान मजीद में आपको यह सूरह आल इमरान मिलेगी 3rd और 4th पारे में, और सूरह अनफाल मिलेगी 9वें पारे में, तो तरतीब वो अलहदा ही अलहदा है। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इस तरतीब के एतबार से जो उसके नजूल की तरतीब है, और उसमें आपके सामने आएगा कि जहां ये आखिरी बात आई थी, इन तत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यज्अल लकुम फुरकाना, वहां से बात शुरू हो रही है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून। अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना के उसके तकवा का हक है, और देखना मौत ना आने पाए मगर फरमा बरदारी की हालत में। मेरा यह दावा है कुरान मजीद में इससे ज्यादा गाढ़ी आयत तकवा के मौजू पर और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का इल्तिजाम के मौजू जो है उस पर इससे ज्यादा गाढ़ी आयत और कोई नहीं। गाढ़ी भी है, खौफनाक भी है, खौफनाक। सहाबा घबरा गए इस आयत पर, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर अल्लाह के तकवा का हक कौन अदा कर सकता है, किसके बस में मुमकिन है। हर लहजा तुम्हारा बिल्कुल ठीक ठीक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा हो, कहीं बाल बराबर भी इधर से उधर ना हो, तब भी हम नहीं कह सकते अल्लाह का हक अदा हो गया। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। खुद हुजूर के अपने अल्फाज हमें मिलते हैं, अल्लाह ताला से खिताब करते हुए फरमाते हैं, मा अबदना का हक इबादत वमा अरफना का हक मारिफत, ए अल्लाह हम तुझे ना पहचान पाए जैसे कि तुझे पहचानने का हक था, और ए अल्लाह हम तेरी बंदगी ना कर पाए जैसे कि तेरी बंदगी का हक था। तो साहबा को तो घबराना था यहां, इसलिए कि साहबा कुरान सुनते थे और पढ़ते थे तो फौरन अपने आप को तोलते थे, हम इस पर पूरे उतर सकते हैं कि नहीं। इसी तरह सूरह अनाम की आयत नाजिल हुई, फायुल फरीकैन अहक्कु बिलअम्न इन कुंतुम तालमून, अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। दोनों ग्रोहों में से अमन का ज्यादा मुस्तहिक कौन है बताओ, अगर तुम इल्म रखते हो। वो लोग अमन के मुस्तहिक होंगे जो ईमान लाएं और ईमान में किसी जुल्म की आमेजिश ना होने दें। सहाबा घबरा गए, हुजूर कौन सा शख्स ऐसा होगा जो सिरे से जुल्म की आमेजिश ना करे। हमसे जुल्म हो जाते हैं, अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं, किसी अपने भाई पर जुल्म कर बैठते हैं, बेजाने बूझे हो जाता है, बगैर नियत इरादे के हो जाता है। यह तो बड़ी कड़ी शर्त है, अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन। हुजूर ने इत्मीनान दिलाया, देखो नहीं, असल में इस आयत में जुल्म का मतलब है शिर्क। और सूरह लुकमान की आयत पढ़ी, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क है बड़ा जुल्म। तो देखो इससे मुराद यह कि जो शख्स ईमान लाए और शिर्क की कोई आलूदगी ना होने दे उसमें, तो उसके लिए अमन होगा, तब उनकी जान में जान आई। इसी तरह इस आयत पर घबराए हैं तो फिर जब सूरह तगाबुन की आयत नाजिल हुई है तो उनकी जान में जान आई। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना भी तुम्हारे हद इम्कान में है। तो हद इम्कान की हद तक तो उन्होंने कहा अपनी सी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम उसका वादा करते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही, देखिए इन तीन आयात पर मेरी एक पूरी किताब मौजूद है और आज उसके कुछ नुस्खे यहां पर ले आए गए हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए सह निकाती लाए अमल, तीन आयतों में से एक एक नुक्ता जो है उम्मत के लिए अमल का एक नक्शा प्रोग्राम। आज हम प्रोग्राम बनाना चाहें क्या करें कैसे करें तो पहला कदम यह होगा कि पहले खुद तकवा इख्तियार करें, अपनी जिंदगी में हलाल और हराम के हुदूद को कायम करें, हराम की कोई आमेजिश ना हो हमारी माश के अंदर, चाहे सूखी रोटी मिले चाहे दो वक्त की बजाय एक वक्त खाने को मिले। इसलिए कि कुरान तो कहता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ, हम आजमाएंगे तुम्हें खौफ से भी भूख से भी। फाका आए तो आए,
حرام کا نوالا اندر نہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھنا موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے کیا وہ اس وقت فرما بردار ہوتا ہے؟ کیا جب کسی شرابی نے شراب پی ہے وہ فرما بردار ہے اس وقت اللہ کا؟ وہ مسلم ہے؟ مطیع ہے؟ قانوناً مسلمان ہے، حقیقتاً مسلم نہیں ہے، حقیقتاً ایمان سے بھی خارج ہو چکا ہے. متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. جب زنا کرتا کیسے ہو سکتا اس کے دل میں ایمان ہو؟ وہ تو ایمان دینے کا نہ ہوا، پھر جو دل میں ایمان بھی ہو پھر زنا ہو رہا ہو. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، قانونی اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کی رائے ہے کہ کافر ہو گیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا. نہیں، کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے، لیکن بہرحال ایمان کے درجے سے اس وقت وہ خارج ہے، ایمان حقیقی کے درجے سے خارج ہو گیا. تو مت مرنا مگر فرما برداری. اب کیا پتا موت کب آ جائے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے کہ شراب پی لوں گا، پھر نشہ بھی اتر جائے گا، پھر توبہ بھی کر لوں گا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی؟ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. بہت بڑے شاعر لکھنؤ کے اور مسلمان، ان کی موت حسرت ناک موت، جسے آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ، رات کے 2-3 بجے شراب خانے سے نکلے نشے میں دھت، لڑکھڑا کر گرے، لکھنؤ کی بات ہے، اور ساتھ ہی بدرو تھی وہ نالی گندی پانی کی، اس کے اندر گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی. یہ موت حالت اسلام کی موت نہیں ہے، یہ نافرمانی کی حالت میں موت آئی. اب اگر آپ طے کر لیں کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، تو ایک ہی راستہ ہے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادہ عین اسی لمحے موت کا پنجہ آ کر دبوچ لے آپ کو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے زیادہ گاڑھا اور زیادہ ایمفیٹک انداز میرے نزدیک، میرے محدود علم کی حد تک، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں اس آیت سے زیادہ سخت آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لیکن لائحہ عمل کے اعتبار سے پہلا نقطہ پلے باندھ دیجئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرو. ہمارے ہم بڑی تحریکیں چلی ہیں دوسروں کو درست کرنے کے لیے، تو کمر کس لیتے ہیں، اسلام کے نعرے لگانے کے لیے سڑکوں پر آ جائیں گے، ختم نبوت کے لیے گریبان کھول کھول کر گولیاں کھا لیں گے، مسجد کی حفاظت میں جانے دے دیں گے، مسجد یکشب بھی بنا دیں گے ہندوؤں کا مقابلے میں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا، نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہاں اس کے برعکس سے پہلے خود ٹھیک ہو، ہر اینٹ جو ہے پہلے پکاؤ اس کو، وہ پکی ہو جائے پھر فصیل میں لگانا تو فصیل مضبوط ہوگی. کچی فصیل اینٹوں کو جوڑ دو گے تو وہ تو اس سیلاب کا ایک ریلا بھی جو ہے وہ فصیل برداشت نہیں کر سکے گی. تو پہلے ہر اینٹ پختہ ہو، ہر بندہ مومن تقوی اور اسلام پر عمل کے معاملے کے اندر پورا پورا معیار جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو اتارے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب جو یہ اینٹیں پک گئیں، جس کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، اینٹ پختہ ہو جائے پکی ہو تب کام آئے گا. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اگر یہ اپنی خود اپنی زندگیوں کے اندر جو قرآن مجید میں آیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ان کے اپنے اندر جو کیفیات ہیں اسے نہیں بدلتے. اندر جو ہے یقین ہے ہی نہیں، اندر تو وسوسے ہیں، اندر تو شکوک و شبہات ہیں، اور نہ وہ یقین ہے نہ ایمان ہے. جب تک یہ اندر ایمان نہیں آئے گا، اندر تقویٰ نہیں آئے گا، جیسا کہ حضور نے 3 مرتبہ ایک دفعہ اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اپنے قلب مبارک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں. ایمان اور یقین اگر دل میں ہوگا تو تقویٰ ہے. تو پہلے تو تقویٰ اور اسلام پر عملاً کاربند ہونے کے مرحلے سے انسان گزرے، اور اب ان اینٹوں کو جوڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
और सब मिलजुल कर मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम लो और तफरके में मुबतला ना हो। अब जमीयत, अब इन ईंटों को जोड़ो, फसील बनाओ, बुनियादुम मरसूस जिसे कहा गया है सूरह सफ में, इन्नल्लाह युहिब्बुल लजीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ्फन कअन्नहुम बुनियादुम मरसूस। अल्लाह को तो महबूब है अपने वो बंदे जो उसकी राह में जंग करते हैं ऐसी सफ़ें बांध कर जैसे कि सीसा पिलाई हुई दीवार हो। बुनियादें मरसूस बनाने के लिए पहला मरहला ईंट मजबूत, हर फर्द जो है उसकी शख्सियत, उसका तज़किया, उसकी तरबियत, उसके अंदर जो है ईमान और यकीन और अमल में इस्लाम और शरीयत के ऊपर कारबंद होने की बात हो जाए, फिर इनको जमा करो। वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मिलजुल कर जमा होकर मजबूती से थाम लो और तफरके में मुब्तला ना हो। यहां सवाल पैदा होता है अल्लाह की रस्सी कौन सी है, बल्कि बड़े दुख के साथ यह भी सुना रहा हूं आपको, सन 73 में जो एक बहुत बड़ी समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी आलम इस्लाम की लाहौर में, शाह फैसल शहीद रहमहुल्ला वो भी आए थे, भुट्टो का जमाना था, तो उस जमाने में ये आयत जो है हर रिक्शा के पीछे, हर टैक्सी के ऊपर, हर बैनर के ऊपर, वहां तसिमु बिहब्लिल्लाह जमीन वला तफर्रकू। मैं एक प्रेस में गया, वहां हमारी मेरी कोई किताब छप रही थी, वही आजाद कश्मीर की हुकूमत के जो महकमे इतलाआत के चीफ थे वो भी आए हुए थे, वो सरदार अब्दुल कयूम साहब सदर थे उस जमाने में, वो वहां पे सरबराहान ममलकत को कश्मीर का केस प्रेजेंट करने के लिए किताबचा शाय कर रहे थे, वो उसके लिए आए हुए थे। लेकिन मैं कांप गया जब उन्होंने कहा ये क्या बेमानी बात है, और ये आजाद कश्मीर का एक जिम्मेदार शख्स कह रहा है, बात हसीबू भी हमलिल्ला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कौन सी रस्सी है वो, कहां है, कहां लटकी हुई है वो रस्सी, ये मोहम्मल कलाम है, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये मेरे इन गुनाहगार कानों ने खुद पाकिस्तान में मकतबे जदीद प्रेस के अंदर बैठकर उस मौके पर यह अल्फाज सुने, और उस शख्स की हुकूमत का जिम्मेदार आदमी जो कि खुद अपनी जगह नमाज रोजे का पाबंद सरदार अब्दुल कय्यूम खान। बहरहाल यहां सवाल पैदा होता है जरूर कि अल्लाह की रस्सी वो कौन सी। अब इसमें यकीनन कुरान मजीद में चूंकि ये बात बयान की गई है कि हमने ऐ मोहम्मद ये किताब आप पर नाजिल की, नज़लना अलैका ज़िक्र लितुबय्यन लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम, ताकि आप वाज़े करें लोगों के लिए, बयान करें, तफसील कर दें, तशरीह कर दें, जहां कोई इजमाल है, इबहाम है, तो उसकी तबयीन और तशरीह आपके जिम्मे है, लिहाजा हुजूर ने उसकी तशरीह कर दी। कई अहादीस से साबित होता है कि हुजूर ने फरमाया कुरान हबलुल्लाह है। अगर आप तफासीर को देखेंगे तो आपको और अकवाल भी मिल जाएंगे मुफस्सरीन के, लेकिन मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जब हुजूर का फरमान मौजूद है, वही जो हजरत अली की हदीस में आपको सुना रहा था कि हुजूर ने फरमाया इन्नहा सतकूनु फितनतुन, तो इस पर हजरत अली फरमाते हैं मैंने अर्ज किया कि बल मखरजु मिन्हा या रसूल अल्लाह। अब जो हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह फीह खबरु मा कबलकुम व नबअ मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम वहुवा जिक्रुल हकीम वहुवा सिरातुल मुस्तकीम वहुवा हबलुल्लाहिल मतीन, यही कुरान जिक्र हकीम है, यही कुरान सिरात मुस्तकीम है, यही कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है। रावी हजरत अली है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं अल कुरान हबलुल्लाहिल मबदूद इल समा इल अर्द, ये कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जो तनी हुई है आसमान और जमीन के माबेन। और एक हदीस तो तबरी की जो बड़ी मौजम है तबरानी की, उसमें एक हदीस बड़ी प्यारी है। इस हदीस की तफसील ये आती है कि हुजूर एक रोज अपने हुजरे से बरामद हुए, मस्जिद के कोने में देखा कि कुछ साहबा बैठे हुए कुरान का मुजाकरा कर रहे हैं, एक दूसरे से समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, चेहरे पर बशाशत के आसार जाहिर हुए। अब आप चलकर आए उन लोगों के पास और एक सवाल किया, बड़ा अजीब, उस सवाल से अंदाजा होता है कि किस कदर उस वक्त आपकी शफकत और मोहब्बत जो है टपक रही है आपके एक एक लफ्ज से। अलस्तुम तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व अन्न हाज़ल कुरान जा मिन इंदिल्लाह, क्या आप हजरात इसकी गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं और यह कुरान अल्लाह के पास से आया है। अब साहबा का जवाब क्या हो, सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, भला या रसूल अल्लाह के रसूल, हम सब गवाह हैं इसके, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं और यह कुरान अल्लाह के पास से आया। अब आपने फरमाया फस्तबशरू, तो खुशियां मनाओ,
فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ, اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے حبل اللہ. گویا کہ اب دوسرا مرحلہ جو ہے, پہلا مرحلہ ہر اینٹ کو مضبوط کرنا ہے, افراد پختہ ہوں, ان میں تقویٰ ہو, ان میں دین اور شریعت پر عمل ہو بالفعل, اور ان کو جوڑنے والی چیز قرآن بن جائے. کیوں؟ دیکھیے, ایک جمعیت ہوتی ہے حیوانوں کی, ایک گلہ جا رہا ہے بھیڑوں بکریوں کا, ایک چرواہا ایک لاٹھی لے کر چل رہا ہے, کافی ہے اس کے لیے, پورے گلے کو جمع رکھے گا. یا کوئی ایک دو کتے ہیں, بہت بڑا گلہ ہے تو ایک دو کتے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, باقی ختم ہو گئی. انسان حیوان نہیں ہے. انسانوں کو جوڑنا ہے تو ان کے ذہنوں کو جوڑنا ہوگا, ان کے خیالات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی, ان کے نظریات کے اندر یکسانی پیدا کرنی ہوگی, ان کے مقاصد میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی, ان کے فکر کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہوگا, تبھی انسان جڑیں گے. ورنہ ایک مصنوعی جمعیت سے کچھ نہیں ہوتا, زبردستی مانگ دیجئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے ذہن ایک ہو, ان کی سوچ ایک ہو, ان کی امنگیں ایک ہو, ان کے ولولے ایک ہو, ان کے ہدف ایک ہو, ان کے مقاصد ایک ہو, ان کا نصب العین ایک ہو, تب وہ جڑیں گے. اور یہ قرآن ہے جو آپ کے فکر کو بدلتا ہے, ایک رخ پر ڈالتا ہے, آپ کے مقاصد معین کرتا ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, یہ ہے کہ جو آپ کو معین کر دیتا ہے یہ کہ آپ کی اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے. پھر اس کا فکر, اس کی سوچ, اس کے نظریات, اس کی شریعت, اس کے احکام, اس کا نظام سیاسی, معاشی, معاشرتی, یہ ساری چیزیں ہیں. جب فکری امانگی ہوتی ہے تو در حقیقت انسانوں کی پھر جمعیت مضبوط ہوتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں تو آج سوچ رہا تھا کہ کافی وقت ہمارے رفیق نے لیا میری زندگی کے کچھ حالات و واقعات بیان کرنے میں, اور میں سمجھتا تھا خامخواہ کا تکلف ہے, ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ذرا سا اشارہ اس وقت خود میں کر رہا ہوں. میں نے جب کام شروع کیا انڈیپینڈنٹلی تو پہلا کام یہی کیا, قرآن کی طرف دعوت, حلقہ ہائے مطالعہ قرآن, پھر انجمن خدام القرآن قائم کی, قرآن اکیڈمیز قائم کی, قرآنی تربیت گاہیں منعقد کی. رمضان مبارک میں تراوی کے ساتھ 6-6 گھنٹے لوگ جاگے ہیں قرآن کا پورا ترجمہ سننے کے لیے, 6-6 گھنٹے. یہ سارا کام ہوا ہے, اس سے وہ ایک جمعیت وجود میں آئی ہے. ان کی سوچ ایک ہے, ان کے نظریات ایک ہے, ان کا فکر ایک ہے, ان کے عزائم ایک ہیں, ان کے ارادے ایک ہیں, مقاصد ایک ہیں, اہداف ایک ہیں, ویلیوز ایک ہیں, اقدار ایک ہیں. تب جا کر وہ جمعیت وجود میں آئی ہے جس کا نام تنظیم اسلامی ہے. وہ اس کا اگلی آیت میں ذکر آ جائے گا, لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا یہ صحت نکاتی لایا امر, اس پر پوری کتاب ہے, اس میں ایک ایک نقطے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. اس وقت نوٹ کر لیجئے, پہلا نقطہ کیا تھا, ہر اینٹ کو پختہ کرو, ہر فرد جو ہے تقوی اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کا مرحلہ پہلے طے کرے, پھر یہ لوگ جڑیں, آپس میں جڑ جائیں, قرآن مجید انہیں ایک دوسرے سے چپکا دے. اقبال نے اسی لیے اس کی تعبیر کی ہے, ماں ہما خاکو آگاہ دل آگاہ اوست, احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست, از یک آئینی مسلمان زندہ است, پیکرے ملت سے قرآن زندہ است. ایک آئین کی وجہ سے مسلمان زندہ ہے, اور یہ پیکرے ملت جو ہے اس کے اندر زندگی جو ہے قرآن کی وجہ ہے. پیکرے ملت سے قرآن زندہ است, ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست. ہم تو سب خاک ہیں, ہمارے اندر جیسے خاکی وجود میں یہ دل ہے دھڑک رہا ہے, ایسے ہی امت کے اندر دھڑکنے والا دل قرآن ہے. اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس, ان تینوں حدیثوں کا مفہوم اپنے ان دو اشعار میں بیان کر دیا. پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں اور مفسرین نے اور باتیں کیوں کہہ دی, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود, اور علامہ اقبال نے اسی قول کی ترجمانی اپنے ان دو اشعار میں کر دی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب دیکھیے, آج ایک خاص بات یہ ہو گئی, اس آیت میں اب ذکر آ رہا ہے انصار کا. سورہ انفال کی آیات میں ذکر آیا تھا مہاجرین کا, یہاں ذکر آ رہا ہے انصار کا. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور ذرا یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو تم پر ہوا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, سوچنا پڑتا ہے بین السطور یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے, تو بعد میں وضاحت ہو جائے گی. یہ اصل میں انصار مدینہ سے خطاب ہے, اوس اور خزرج. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے
तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी। फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तो तुम अल्लाह के इनाम और एहसान से अब भाई भाई बन गए हो। वकुंतुम अला शफा हुफ्रति मिनन नार, और तुम तो आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे। फअनकज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया उससे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरीके से अल्लाह ताला वाज़े करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात को ताकि तुम हिदायत हासिल करो। इसके पस मंजर में है कि ये जो दो कबीले थे अंसार के, औस और खज़रज, इनके दरमियान 100 बरस से एक जंग जारी थी, नस्लन बाद नस्लन, जैसे होता है कबाइल के अंदर। अब इस मरतबा उनके इतने आदमी मार दिए हैं, कुछ अरसे के बाद उन्होंने बदला ले लिया, इतने आदमी इनके मार दिए। 100 बरस से ये दुश्मनी चल रही थी और इतने लोग मर चुके थे इनके कि इन्हें अंदेशा था कि हमारे ये दोनों कबीले जो हैं लड़कर कटकर मरकर खत्म हो जाए। और यहूदी तीनों कबीले जो हैं वो आग भड़काते थे। मालिकान देह तो असल में ये कबीले थे औस और खजरज, ये थे अरब, असल अरब। यहूदी तो अरब के नहीं थे बाशिंदे, ये तो शाम से आए थे, फिलिस्तीन से आए थे, यहां आकर आबाद हुए थे। किस मौके पर आबाद हुए ये मालूम नहीं है सही तौर से, हो सकता है नबूकदनज़र ने जब इन्हें खदेड़ा था तब उस वक्त आ गए हो, यह भी हो सकता है 70 ईस्वी में जब आकर टाइटस रूमी ने जो सेकंड टेंपल भी तबाह किया है और डायस्पोरा शुरू हुआ है 70 ईस्वी में, शायद उस वक्त आए हो, अल्लाह आलम। लेकिन ये असल में अरब के बाशिंदे नहीं थे। तो जैसे हम कहते हैं मालिकान देह, सन्स ऑफ द सॉइल, जो असल सरजमीन के फर्जंद हैं वो तो थे औस और खजरज। ये तीनों कबीले इन्हें लड़ाते रहते थे। जैसे यहूदियों ने यूरोप के ऊपर जो अपना शिकंजा कसा है, वो यूरोप के तमाम मुल्कों को आपस में लड़ाते थे, जब लड़ते थे वो तो उन्हें कर्ज देते थे, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्ज देते थे। ये हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड्स और ये गोल्डस्मिथ्स, ये तमाम के तमाम घराने जो बने हैं वो दर हकीकत दोवले यूरोप की आपस की खाना जंगियां, जिनको भड़काते थे यहूदी और फिर उन्हें कर्ज देते थे और बड़े भारी जो सूद वसूल करते थे और होते होते बैंकिंग का निजाम बनाकर और पूरे यूरोप के जो है अपने शिकंजे में ले लिया, जिसको कि अल्लामा इकबाल इस सदी के आगाज में जाकर मुशाहदा कर आए थे कि फरंग की रगे जहां पन जाए यहूद में। ये 1905 से 1908 3 बरस अल्लामा इकबाल ने यूरोप में गुजारे हैं, इंग्लिस्तान में और जर्मनी में, लेकिन मुशाहदा कर लिया। गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तवहुमात में, तो वो तो उन्होंने देख लिया। यही मामला वो कर रहे थे, इन्हें आपस में लड़ाते थे, कभी इनकी मदद कर दी कभी उनकी मदद कर दी, कोई उनका हलीफ बन गया कोई इनका हलीफ बन गया। इस तरह बहुत शदीद यूं समझिए कि क्राइसिस से दो चार हो चुके थे औस और खज़रज के दोनों कबीले। अल्लाह के फजल व करम से उस वक्त हुजूर की आमद हो गई, दोनों हुजूर पर ईमान ले आए, हुजूर गोया के आर्बिट्रेटर हो गए, अब हुजूर जो है सालिस बन गए, हुजूर ही का चूंकि हुक्म दोनों मान रहे हैं, लिहाजा वो सारी अदावतें और सारी दुश्मनियां जो है वो खत्म हो गई, शीरो शकर हो गए। एक तरफ हुजूर ने महाजरीन और अंसार को शीरो शकर किया, मुआखात बैन अंसार वल महाजरीन, दूसरी तरफ औस और खजरज के इन दोनों कबीलों को जो है शीरो शकर कर दिया। ये खास उनकी तरफ दावत इशारा हो रहा है। वस्करू नेमत अल्लाह अलैकुम इज कुंतुम आदान, तुम दुश्मन थे एक दूसरे के, फअल्लफा बैना कुलूबकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी। फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम अल्लाह के फजल व करम से अब भाई भाई हो गए हो। वकुंतुम अला शफा हुफ्रति मिनन नार, और तुम तो आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे, गिरा चाहते थे, कैन वक्त पर अल्लाह ने दस्तगीरी फरमाई तुम्हारी। फअनकज़कुम मिनहा, तुम्हें उससे बचा लिया और निकाल लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को वाज़े कर रहा है ताकि तुम हिदायत अख़ज़ करो, तुम्हारी हिदायत में और इजाफा हो जाए। बहरहाल इसको समझिए जुमला मोतरज़ा, लेकिन ये रब्त आज के दर्स में बहुत उम्दा हो गया कि सूरह अनफाल की उस आयत में जो मरकजी आयत थी आयत नंबर 4, उसके पस मंजर में मुहाजरीन का तस्करा था, और इस आयत के अंदर जो है मरकजी आयत ये नंबर 2 जो है इसमें वो अंसार का तस्करा हो गया। लेकिन नुक्ते 2 आए थे, पहले अफराद दीन पर कारबंद हो, तकवा की रविश इख्तियार करें, फिर जुड़े मिलजुल कर एक ताकत बने। अब वो ताकत क्या करेगी ये तीसरी आयत है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर वयामुरूना बिल मारूफ वयनहाउना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
और तुम से एक ऐसी जमात वजूद में आनी चाहिए, उम्मत वजूद में आनी चाहिए। इसमें जो मिन है इसके बारे में दो आरा है, मिन बयानिया या मिन तबईजिया। मिन बयानिया तो यह है कि जैसे कहते हैं लिल अमीर मिन औलाद ही जुंदुन, फला अमीर जो है उसकी तो अपनी औलाद ही एक लश्कर की शक्ल में है, यानी अल्लाह ने इतने बेटे दे रखे हैं, अगर मलिक अब्दुल अजीज जो है आले सऊद वाले उनकी तो अपनी औलाद ही फौज थी। तो इस तरीके से लिल अमीर मिन औलाद ही जुंदुन, यहां मिन जो है तबईजिया नहीं है बल्कि औलाद ही से एक लश्कर वजूद में आ गया। तो गोया के तुम से एक ऐसी जमात वजूद में आनी चाहिए, बल तकुम मिनकुम उम्मतुन, तुम्हारे जरिए से अब एक ऐसी जमीयत बरपा होनी चाहिए। और एक ये है कि अगर किसी वक्त ऐसा हो जाए कि पूरी उम्मत अपने फर्ज मनसबी को भूल चुकी हो, तो कुछ लोग तो जागे होश में आए और वो उस बड़ी उम्मत में एक छोटी उम्मत बन जाएं, जैसे आप कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, पार्टी विद इन पार्टी। कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक था, एक सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस में था लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक था। तो उम्मत मुस्लिमा जब सो जाए, बेहोश हो जाए, उसे याद न रहे अपनी जिम्मेदारी, अपने फराइज का शऊर न रहे, वो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह एक कौम बन जाए, हालांकि हमने तो उन्हें बर्पा किया था कि दुनिया पर हुज्जत कायम करें, हमारी तरफ से हमारे दीन का पैगाम पहुंचाएं, उनके ऊपर हुज्जत कायम कर दें कि अल्लाह ताला के हां वो जाकर ये ना कह सके अल्लाह तुझे तेरा दीन हमें किसी ने पहुंचाया ही नहीं। फर्ज मनसबी ये था कि हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साथी ना रहे, जाम रहे। लेकिन जब उम्मत सो गई हो, जैसे कि आज सोई हुई है, बल्कि उम्मत तो है ही नहीं। अल्लामा इकबाल जो वहदत उम्मत के सबसे बड़े हुदी खां हैं इस दौर में, इस सदी में, पिछली सदी में जमालुद्दीन अफगानी थे रहमतुल्लाह अलैह, इस सदी में अल्लामा इकबाल। लेकिन अल्लामा इकबाल ने भी अपने खुतबात में माना है कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड दैट देयर डजंट एग्जिस्ट एनी मुस्लिम उम्मा एट दिस टाइम, इंस्टेड वी हैव ए नंबर ऑफ मुस्लिम नेशंस। आज दुनिया में कोई एक उम्मत मुस्लिमा मौजूद नहीं है, उसके बजाय जो मौजूद है वो कुछ मुसलमान अकवाम हैं, मुख्तलिफ अकवाम हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, 50 हैं कि 60 हैं कि कितने हैं, कितनी कौमें हैं, और फिर एक मुल्क के अंदर अंदर कितनी कौमियतें हैं। यहाँ चार कौमियतें तो सब मानते हैं, पांचवीं कौमियत कराची में पैदा हुई, छठी कौमियत सरायकी की पैदा हो रही है, वो तो कौमियत ही कौमियतें हैं। जब तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा तो जाहिर बात है कि जब मैं एक मरतबा गया हुआ था इंटीरियर और सिंध के दौरे पर, लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो किसी ने कहा अखबार नवीज ने, साहब ये चार कौमियतें तो हमने सुनी थी, पांचवीं कहां से आ गई? मैंने कहा जहां से चार आई वहीं से पांचवीं आई, अगर चार हो सकती तो पांचवीं क्यों नहीं हो सकती, और छठी क्यों नहीं हो सकती, और सातवीं क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सराय की कौमियत जो है, अब वो मुद्दा ही है, वो चाहते हैं कि हमारा सूबा अलहदा हो। ये दूसरी बात है कि पंजाब जो है किसी तरह आमादा ही नहीं है। वो पंजाब जो हम छोड़कर आए थे ईस्ट पंजाब, वो छोटा था इस पंजाब के मुकाबले में जो पाकिस्तान में आया है। 31 में से 17 जिले आए थे पाकिस्तान में, 14 गए थे हिंदुस्तान में, उन 14 जिलों के 3 सूबे बन चुके हैं, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। 14 जिलों के 3 सूबे बन गए, लेकिन ये 17 जिले बदलने को और आपस में तकसीम को तैयार नहीं। बहरहाल वो एक सियासी मसला है, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल मसला यह है कि यह तकसीम है इस वक्त, कौमियतें हैं। तो अगर कौम जो है पूरी उम्मत सो गई हो, कौमियतों में तहलील हो चुकी हो, उम्मत का फर्ज मनसबी उसके सामने मौजूद ही ना हो, तो फिर कम से कम कुछ लोग तो जागे, होश में आए। जैसे हकीम सईद साहब ने नारा दिया था मरहूम ने, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ, ये उनका एक स्लोगन था। तो जागो और जगाओ, खुद जागो कि तुम्हारा वजूद इसलिए है, और तुम लोगों को जगाओ और मिलजुल कर एक ताकत बनो। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, अब ये उम्मत में, बड़ी उम्मत में, सोई हुई उम्मत में से कुछ जागे हुए लोगों की एक उम्मत वजूद में आए, और वो सिर्फ 3 काम करे। ये आज बड़ी अहम है। यदऊना इलल खैर, दावत दे खैर की, और सबसे बड़ा खैर कुरान मजीद, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, या अय्युहन नास قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। ये कुरान उन तमाम चीजों से ज्यादा कीमती है जो ये जमा करते हैं, माल, दौलत, असबाब, फर्नीचर,
और डेकोरेशन पीसीज और ये और वो ना मालूम क्या क्या जमा किया है घरों के अंदर, लेकिन इन तमाम चीजों से बढ़कर कीमती शय जो है वो कुरान। दावत इलल कुरान, बुलाओ कुरान की तरफ। मेरी पूरी जखीम किताब है दावत रुजूद अल कुरान। उम्मत कुरान से कट गई थी, दोबारा कुरान की तरफ दावत देने का अमल शाह वलीउल्लाह देहलवी ने शुरू किया है आज से 300 बरस कबल। फिर उनको दोनों बेटों ने यह बात आगे बढ़ाई है। फिर हिंदुस्तान के अंदर बड़े मुफस्सरीन बड़ी तादाद के अंदर, वो पूरी तफसील आपको मेरी उस किताब में मिल जाएगी, दावत रुजूद अल कुरान का मंजर और पस मंजर। उसके ज़िमन में कुछ खिदमतें मैंने भी की हैं, मेरे साथियों ने की हैं, अंजुमन खुद्दामुल कुरान ने की है, तो ये काम हो रहा है। दावत इलल खैर, जिसका मफहूम मैं समझता हूं दावत इलल कुरान, वयामुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दें, वयनहौना अनिल मुनकर, और बदी से रोके, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बहुत अहम टुकड़ा है ये, और सिर्फ वही लोग होंगे फला पाने वाले। वो जो ग्रेटर उम्मत है जो सोई हुई है, जिसे अपना फर्ज मनसबी ही याद नहीं, जिसे अपने रोटी से और अपने ब्रेड एंड बटर ही से फुर्सत नहीं, अपने घर की सजावट और अपने महल की तामीर के अलावा कोई ख्याल ही नहीं, उनको छोड़ दो, उनके लिए फला नहीं है। उनके लिए दुनिया उन्होंने पसंद कर ली है, और दुनिया में हम दे देते हैं जिसको मन काना युरीदुल आजलता अज्जलना लहू।